सारी आर्ट्स जो है, कैलीग्राफी है, पेंट्स है, पोर्ट्रेट्स है, अंदरून लाहौर है। जनाब ये कोई समझ नहीं आ रही, यानी कि जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए आपने। दूसरी एक्टिविटीज भी करता था और लेकिन जब आर्ट करता था ये मैं देखता था कि मैं इसमें थक नहीं रहा। वहां ना मुझे भी थोड़ा फील हुआ कि यार ये आर्ट मेरे लिए और मैं इसके लिए बनाऊं। ये जो पेंटिंग है इसके पीछे स्टोरी ऐसे है कि टैलेंटेड कोई हमारी जो माए बहने हैं लेकिन वो किसी वजह से बाउंड हैं, बेचारी कैद है, वो अपना आप इजहार नहीं कर पाए। अंदरून शहर में कभी रंगो सरूर की महफिलें हुआ करती थी और जनाब बाहर टिब्बी थाना होता था। मैं ओल्ड लाहौर को ज्यादा लाइक करता हूँ, ये भी एक उसी के हमारे एक सकाफत का हिस्सा है। जब मैं थोड़ा बहुत थकता हूँ तो ये जो काम है ना ये मेरी कह ले कि मेरी थकावट उतारता है, ये मेरी रूह की गजा है। ये है शाही प्रोटोकॉल। अब आपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल देखे ना जिनमें 25 गाड़ियां आगे 25 पीछे, बीच में जनाब साहब बहादुर जा रहे होते हैं, डॉल्फिन पुलिस टूं करती है। ये है साहब बहादुर और ये है डॉल्फिन पुलिस। ऊपर पतंगबाजी है जो कि अब खत्म हो चुकी है, अब कोई भी पतंग उड़ाता है तो यही पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। बादशाह भी आ गया और बेगम भी आ गई, वाह जी वाह, सारे पत्ते। और ये सारे काम इन्होंने वो किए हुए जिसपे पुलिस वालों की रेड होती है। आज आपको हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे कि पंजाब पुलिस में एक ऐसे अहलकार भी हैं कि जिनका ताल्लुक आर्ट से है और फन के दिल दादा हैं। जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, कोई अच्छा मंजर, अच्छी सीनरी उनके सामने आती है तो अपने जहन में नक्श कर लेते हैं और पकड़ते हैं फिर ब्रश और उसको रंगों में ढाल देते हैं। तो आइए जनाब, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी, इस पुलिस वाले की क्या है कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन, यहां पर ये सारी आर्ट्स जो है, कैलीग्राफी है, पेंट्स है, पोर्ट्रेट्स है, अंदरून लाहौर है, और ये वो है जनाब जिनके सर ये सेहरा जाता है, सैयद जैन और जो डॉल्फिन पुलिस के ये अहलकार हैं। जनाब ये कोई समझ नहीं आ रही, आर्टिस्ट जो होते हैं वो पुलिस से, ये जराइम पेशा लोगों से बड़ा ही अवॉइड करते हैं, घबराते हैं, थानों के उन्होंने मुंह नहीं देखे होते तो पुलिस वाला सामने आ जाए तो वैसे ही उनके सांस खुश्क हो जाते हैं। ये टोटल ही डिफरेंट है, यानी कि जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए आपने कि आपको कैसे ख्याल आया कि यार मैं आर्ट कर रहा हूं, अच्छा भला रोजगार है, आपको लोग पसंद भी कर रहे हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, तो पुलिस में जाने का कैसे सोचा? सर पुलिस में ऐसे था कि मेरे जो दादा थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे। अच्छा। तो उसकी बेस पे मेरे वाले साहब को यूनिफॉर्म से ना थोड़ा सा अटैचमेंट थे, दिली लगाव था। ठीक है। उनकी ख्वाहिश को लेकर कुछ उन्होंने थोड़ी ख्वाहिश का इजहार किया कि बेटा डॉल्फिन, तो वैकेंसी आई थी, मैंने अप्लाई कर दिया, अल्लाह पाक ने ये भी रोजगार लगा दिया। जहां तक रही आर्ट से मुतल्लिक बात, जब स्कूल लेवल पे था, दूसरी एक्टिविटीज भी करता था और लेकिन जब आर्ट करता था ये मैं देखता था कि मैं इसमें थक नहीं रहा, बोर नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। वहां ना मुझे भी थोड़ा फील हुआ कि यार ये आर्ट मेरे लिए और मैं इसके लिए बनाऊं, बस कहने का तब से मैं इस चीज। अच्छा, मैंने जैन भाई आपका ये काम देखा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई बूढ़ी रूह है, यानी कि ये पुराना लाहौर ये आपने दिखाया यहाँ पर, पुराने जमानों में आप ले जाते हैं। ये जैसे कि ये एक पीस मेरे सामने नाज़रीन पड़ा हुआ है, इसमें भी किसी पुराने दौर में ले गए हैं, यहाँ पर पुराने घर हैं वो जैसे बनाया करते थे, अब तो ये कम ही नजर आते हैं और बस इसके आसार कुछ अंदरून लाहौर में भी हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जनाब ये कोई ये दिमाग में जो आपकी कैद चिड़िया है, जैसे आपके दिमाग में कोई कैद चीज थी कि मैंने पुलिस वाला बनना है, किसी को चित्रोल करनी थी, किसी ने डांटा था कि नहीं मैं पुत्र मैं पुलिस में भर्ती हो गया, तन्नू तो सीधे नहीं 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 सर ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया कि फैमिली की तरफ से थोड़ा सा मुझ पे वो ख्वाहिश का इजहार किया गया था, उसकी बिना पर आ गया। ये जो पेंटिंग है इसके पीछे स्टोरी ऐसे है कि जैसे कोई टैलेंटेड कोई हमारी जो माए बहने हैं उनके अगर जेहन में कोई मतलब कोई अच्छे से वो ख्यालात हैं लेकिन वो किसी वजह से बाउंड हैं, कोई फैमिली प्रेशर कह लें या वो या मुआशरे की बंदिश कह लें, उसकी वजह से ना वो बेचारी कैद है, वो अपना आप इजहार नहीं कर पाए। तो मैंने इस चीज को पेंट किया इसमें कि एक परिंदा जो है ना वो पिंजरे में कैद है। यहाँ पर कुछ और देख रहा हूँ कि वो अंदरून शहर में कभी रंगो सरूर की महफिलें हुआ करती थी और जनाब बाहर टिब्बी थाना होता था, पुलिस अहलकार भी वहीं पे ही होते थे। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट आया?
आपकी एक रकासा भी दिखाई है आपने। सर बेसिकली मैं जो मेरी ज्यादा जो फोकस है वो है ओल्ड लाहौर पे मैं पेंट करता हूँ। ठीक है, आपने जैसे वो दिखाया आपके ऊपर पेंटिंग्स हैं, ये अपना गोल्डन मस्जिद है, वजीर खान मस्जिद है, मैं ओल्ड लाहौर को ज्यादा लाइक करता हूँ। ये भी एक उसी के हमारे एक सकाफत का हिस्सा है जो मुगलिया दौर में पुराने दौर में आपको पता है रक्स होता था। तो मैंने कुछ रेफरेंस अपना इंटरनेट से लिए, उसमें इमेजिनेशन तौर पे अपने कलर अप्लाई किए, तो फिर ये शाहकार आपके सामने है। ये बड़ा थका देने वाला काम है कि आपके दिमाग में एक चीज पहले तैयार होती है, फिर वो हाथ से पेंट में आती है, फिर वो कैनवस पेपर में। ठीक है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, पीछे से वायरलेस चल रही है, फलाने फाड़ो, फलाने छड़ लो, ऐ कर लो, नाका ला लो, ऑफिसर दी मूवमेंट, ये वो सारा कुछ। उस दौरान ये आइडिया कैसे आते हैं, कंसीव कैसे करते हैं, और फिर किस टाइम आप ये पेपर पे उतारते हैं? सर जो आपने बात की है कि ये थका देने वाला काम है, बहुत मतलब मेहनत वाला काम है, मैं आपकी बात का जवाब बड़ी अच्छी चीज से देता हूँ कि वो जो मैं ड्यूटी करता हूँ और ये आर्ट करता हूँ, बेसिकली मैं दोनों चीजें बड़े ऐसा तरीके से करता हूँ। हाँ ऑब्वियसली मेरी वो ड्यूटी टफ है और बड़ी मतलब कह रहे कि सेंसिबल है वो भी ड्यूटी, आपको तो पेट्रोलिंग करनी है ऑन रोड, आपने एक्टिव रहना है, जान हथेली पे, बिल्कुल बिल्कुल वेपन आपके पास होता है सारे मामले। अच्छा उससे जब मैं थोड़ा बहुत थकता हूँ तो ये जो काम है ना ये मेरी कह रहे कि मेरी थकावट उतारता है। मैं ड्यूटी से वापसी आके डेली बेस 1 से 1.5 घंटा मैं अपने आर्ट को देता हूँ, तो कह लें कि इससे फिर मुझे मेरी जो थकावट होती है दिन भर की, जो शोरगुल गया होता है दिमाग में, तो उससे मुझे काम करके सुकून मिलता है। मतलब ये भी कह सकते हैं ये मेरी रूह की गजा है। कैलीग्राफी के भी यहाँ पे शाहकार मौजूद हैं, ये उस्माइल हसना है, अल्लाह पाक के बबरकत नाम है, ये यहाँ पर कुरानी आयात भी हैं, दुरूद पाक भी इन्होंने लिखा हुआ है माशाल्लाह, यानी कि इनका मजहबी रुझान भी है। और यहाँ पर वही चीज़ जो इनकी ये थीम मुझे समझ आ चुका हुआ है कि ये पुरानी यादों में खोए रहते हैं, ये पुराने जमाने की रूह है जो अब यहाँ पर पंजाब पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुगलिया दौर है? सर बिल्कुल ये मुगलिया दौर है, वो जो आप देख सकते हैं पीछे हाथी है, वो बादशाह सलामत की सवारी हुआ करती थी, उससे आगे से उनके जो गार्ड है बॉडी गार्ड है वो लेके जा रहे हैं, लोग बाजार में बैठ के उनको देख रहे हैं, ये मुगलिया दौर का मैंने सारा। जनाब ये है शाही प्रोटोकॉल। अब आपने VVIP प्रोटोकॉल देखे है ना, जिनमें 25 गाड़ियां आगे 25 पीछे, बीच में जनाब साहब बहादुर जा रहे होते हैं, डॉल्फिन पुलिस टूं करती है, ये है साहब बहादुर और ये है डॉल्फिन पुलिस, ये उस दौर की डॉल्फिन पुलिस है जनाब। कबूतरबाजी जो है जनाब अंदरून लाहौर की एक हवाला है, पहचान है, ऊपर पतंगबाजी है जो कि अब खत्म हो चुकी है, अब कोई भी पतंग उड़ाता है तो यही पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। आपने अपनी अपनी पेंटिंग में पतंगे जो है, ये बेसिकली मैंने दौर दिखाया आज से जो मतलब बहुत पहले का दौर था, तब ना बाइक्स थी ना कुछ इस तरह का दौर था, तब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ करता था, अब जो कि ये इस चीज का मतलब बाइक्स बन रही है तो तभी फिर मतलब हमें इस चीज से ना अवॉइड करना पड़ता है और इस चीज पे सख्ती भी करनी पड़ती है। घोड़ों से भी लगाओ आपका काफी, मैं पेंटिंग्स देखा हूं। हां सर बिल्कुल ऐसे मैंने बेसिकली ना वेरिएशन रखी है पेंटिंग में। आर्टिस्ट वही होता है जो सब कुछ कर लेता है ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसको अपनी एक पहचान बनाने के मखसूस काम करना पड़ता है। ठीक है, मखसूस काम है जो जैसे मेरा वो ओल्ड लाहौर है, अब मैं उसको आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, खातून बैठी हुई है, ये भी जमाना है पुराने जमानों में लेके जा रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर ये मैंने बेसिकली शो करवाया हमारा वो जो राजस्थानी इलाका है, ये वो है, मैंने पॉइंटर वर्क में की है, उसके साथ मटका रखा हुआ है और वहाँ भी ये थोड़ा सा कल्चर है इस तरह के, मतलब राजस्थान में ये झाजर वगैरह वो आज भी मटकों में पानी भरते हैं, तो ये मैंने वो शो करवाया था। यहाँ पर बहुत सारे शाहकार इनके मौजूद है, लो जी यहाँ पे बादशाह भी आ गया और बेगम भी आ गई, वाह जी वाह, सारे पत्ते, और ये सारे काम इन्होंने वो किए हुए जिसपे पुलिस वालों की रेड होती है, पत्ते खेल रहे हो गिरफ्तार कर लेते हैं, पतंगबाजी हो गिरफ्तार कर लेते हैं, कहीं पे रक्स हो सरूर की महफिलें हो ये रेड कर लेते हैं। क्या बात है जैन भाई आपकी, आपने उसको 8 पीस बना दिया है, असल में ये आपकी ड्यूटी है जनाब, ये बेगम है और ये बादशाह है, क्या बात है। रात के अंधेरों में एक शहंशाह निकलता है, ये जनाब जबरदस्त हो गया, बहुत खुशी हुई सर आपके। और आप मुझे आखिरी सवाल ये है कि हमारे IG साहब जो है वो बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो इमेज बिल्डिंग है डिपार्टमेंट की, उसके लिए आपको पता है कि करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, फिर जाके किसी डिपार्टमेंट की ना इमेज अच्छी होती है। और सॉरी टू से मगर पुलिस वालों से लोग बड़ा घबराते हैं, स्पेशली शरीफ लोग, पढ़े लिखे लोग और पुलिस वाले बच्चों को। ठीक है, तो इमेज बिल्डिंग जो है उसके लिए डॉक्टर साहब भी बड़ा काम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट किया, आप तो मुफ्त में उनकी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही
आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन वो दौर एक पहले का था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे जवान आ रहे हैं महकमा पुलिस में, जिसमें सरफरेस हमारे डॉल्फिन पुलिस है, काफ़ी काबिल लड़के हैं जो जिनकी जो अपना डीलिंग है अवाम के साथ बहुत अच्छी है, अवाम लाइक करती है। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया जनाब। जैन भाई थे, इनका बहुत माशाल्लाह से इतना अच्छा काम है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं इस आर्ट गैलरी से बाहर जाऊँ, और लाहौर के अंदर ही ये आर्ट गैलरी है इनकी, और यहाँ पर सारा काम इनका लटका हुआ है। जरूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम आगे बढ़े, इनको अप्रिशिएट करें, भले आप खरीदें या ना खरीदें, खरीद तो आप खुद ही लेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ें आप यहाँ से ले जाए बगैर रह नहीं सकते, अप्रिशिएट करना चाहिए। मुखालफत में तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, अपने महकमे की इमेज जो है वो भी बेहतर कर रहे हैं, तो इनको अप्रिशिएट करना हमारा फर्ज है। और आर्ट ऐसा है कि आप इसके अंदर खो जाएं, आपको पुरानी यादों में ले जाएगा, इतना डिप्रेशन है, इसमें से निकलने के लिए एक आर्ट पीस जो है वो आपको घंटों सुकून की हालत में ले जाता है। इसके साथ ही अपने मेजबान मन्नान गिलानी और सैयद जैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।